हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस टाइम पर जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अगर आप जाते हैं अपने गूगल एडसेंस में तो आपको जो CTR है वो शो नहीं होता है, जैसे कि पेज CTR जिसको हम लोग CTR मानते थे। यहाँ पर गाइस हम लोग गूगल एडसेंस CTR की बात कर रहे हैं, ना कि यूट्यूब के CTR की। अगर बात की जाए यूट्यूब के CTR की तो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल एडसेंस का जो CTR है, जो एडसेंस का बीटा वर्जन आया है उसमें चेक कैसे करते हैं। क्योंकि गाइस अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपका जो पेज CTR है वो बहुत ज़्यादा हो गया गूगल एडसेंस का, तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो सकता है स्टार्टिंग में खाली। फिर धीरे धीरे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गाइस मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो एडसेंस है, यानी कि ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके चैनल पर, यानी कि आपकी वीडियोस पर अगर इनवाइटेड क्लिक होती है तो उससे आपकी जो अर्निंग है वो कट जाती है हर मंथ में। मेरे ख्याल से सबकी कटती होगी। और उसके बावजूद भी अगर इनवाइटेड क्लिक की वजह से अगर एडसेंस अकाउंट डिसेबल किया जा रहा किसी का भी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक रीजन की वजह से दो बार तो किसी को पनिश नहीं कर सकते, यानी कि सजा नहीं दे सकते कि भाई एक ही रीजन है इनवाइटेड क्लिक, उसकी वजह से आपका एडसेंस भी हो गया डिसेबल और आपकी अर्निंग तो हर महीने कटी रही है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। लेकिन गाइस ये भी एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने एडसेंस के जो बीटा वर्जन आया अपडेट वर्जन, उसमें आप अपना CTR कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम वहाँ पर आप CTR देखे रहना कि 8-9% के ऊपर ना जाए, क्योंकि एक तो वहाँ पर CTR दिखाता ही कम है अगर कंपेयर किया जाए पे CTR से। ऊपर से अगर 15-20 चला जाए तो समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा CTR आपका हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम पर आपको करना है, आपको जो अपने वीडियो का जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज आते हैं उसके आपको मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं करना है। ठीक है, आपको स्किपेबल वीडियो ऐड और नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड को ऑफ कर देना है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है और आपका जो CTR वो कम हो जाएगा। तो गाइस आज जानते हैं कि आप मोबाइल से गूगल एडसेंस में CTR कैसे चेक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको एडसेंस का जो अकाउंट है वो ओपन करना है। इसके बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन दिया रिपोर्ट का, आपको सिंपली रिपोर्ट पर क्लिक करना है। और गाइस इसके बाद आपको जो ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो बीटा वर्जन का एक टिक लगा हुआ है ऑप्शन ऑन या ऑफ का, तो आपको उसको ऑफ कर देना है। अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको कुछ भी वहाँ पर शो नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको उसको ऑफ कर देना है। ठीक है, इसके बाद गाइस जैसे पहले होता था ना पेज वाइज ही ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यूट्यूब सेट करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे लास्ट वाला जो है यूट्यूब वाला आपको वो सेट करना है। इसके बाद गाइस आपको जाना क्लिक पर, और गाइस जैसे आप क्लिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आपका जो पेज CTR वो शो हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर भी दिखा रहा है 0.97%। तो गाइस इसके बाद यहाँ पर 0.97 दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम है अगर कंपेयर किया जाए 10% से, तो बहुत ही कम है। अब गाइस अगर आप चेक करना चाहें तो आप आज का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस डेट का ऑप्शन दिया, वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर आप किसी भी दिन का CTR चेक कर सकते हैं, जैसे कि आज का, या फिर 7 दिन का, 28 दिन का, या फिर लाइफ टाइम का भी। तो गाइज अगर आपको आज का चेक करना है तो सिंपली आपको आज वाले दिन पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर मेरा दिखा रहा CTR 1% है, यानी कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो CTR है वो 10% से ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको जिस वीडियो पर आपकी ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं आपको उस वीडियो की जो स्किपेबल वीडियो ऐड है और नॉन स्किपेबल वीडियो ऐड को ऑफ कर देना है। बस आपको इतना ही करना, आपका जो CTR वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे गाइस मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको ऐसी ही बढ़िया वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो आइए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे वीडियो तो एंड हो गई है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, और नए हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर पुराने भी हो तब भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और ऐसे कमांड की वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।